तो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने का पहले सबसे पहले आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इसीलिए तो ये पॉसिबल हुआ दोस्तों। आज चैनल पे, मेरे चैनल पे 50K फॉलोअर्स कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आप लोग इतना प्यार देने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग इतना प्यार दे इसलिए पॉसिबल हुआ दोस्तों। तो आज मेरा चैनल पे 50K फॉलोअर्स कंप्लीट हुआ दोस्तों। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हैप्पी मोमेंट है दोस्तों। तो वो तो सेलिब्रेट होगा वो बाद में, लेकिन दोस्तों आप लोगों मैंने जितना कोशिश किया तो टेक्निकल वीडियो आप लोगों को दिखने के लिए, सीखने के लिए पॉसिबल होता है दोस्तों। देखिए मेरे चैनल पे जो काम आता है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ काम। इसको देखिए, कस्टमर जो खुद काम लेके आता है ना, वही मैं रिपेयरिंग करके अलग से आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं अलग से कोई मोबाइल इसको वीडियो बना के आप लोग के साथ ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं है। कस्टमर का प्रॉब्लम लेके आया, ठीक कैसे करना पड़ेगा मैं आप लोग को डायरेक्ट इसको वीडियो पर दिखाता हूँ। मेरा यही काम है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं अलग से मोबाइल लेकर इसको ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसे मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कस्टमर प्रॉब्लम हुआ, मोबाइल को लेके आया, काम को आप लोगों को कैसे रिपेयरिंग करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ भी ऐसे हो सकते हैं, मेरा यही टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे टेक्निकल चैनल पर आप लोग इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। तो आज मैं भी आप लोगों के साथ इस भी एक तो वीडियो शेयर करेंगे। आज एक तो मोबाइल भी कस्टमर लेके आया ना, पूरा खोल के तोड़ के मेरे पास लेके आया, M14 5G मॉडल है, सैमसंग का M14 5G मॉडल है। तो उसका देखिए दोस्तों, अभी ये देखिए दोस्तों, इसको कैसे हालात में मोबाइल कस्टमर लेके आया मेरे पास, इसको कंप्लीट रेडी करेंगे, वो भी आप लोग इसको देखने का मिल जाएगा। तो ये भी देखिए दोस्तों, आप लोग M14 मॉडल है आप लोगों के पास है अगर, तो कैसे रिपेयरिंग करना पड़ेगा, कैसे काम होता है दोस्तों, इसको रिपेयरिंग का फुल वीडियो आप लोग इस वीडियो में देखने का मिल जाएगा। कंप्लीट चेंज करेंगे इसको, तो डिस्प्ले, मिडिल फ्रेम सब कुछ चेंज होगा। तो प्राइस भी आप लोग को जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। अरे देखिए दोस्तों, आज एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी कॉमेंट आता है मेरे को, जो प्राइस आप ज़्यादा ले रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतना प्राइस में मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में जो हम लोग जो मोबाइल लेकर आते ना, कोई भी काम के लिए, कोई भी काम आप जिस प्रोफेशन काम में है ना, कुछ थोड़ा फायदे के लिए तो काम करते हैं ना दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ काम कैसे करना पड़ेगा, रेट कैसे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना प्राइस आएगा। तो प्राइस देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे मार्केट से जो प्राइस मैंने लेके आया ना, वही प्राइस में डायरेक्ट आप लोग शेयर नहीं करता हूँ, ये शेयर करने भी नहीं चाहिए, हर टेंशन भाई के लिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग जब कमेंट करते हो ना, इतना रेट में मिल रहे तो आप लोग इसको जो समझ कर उसके कमेंट किए दोस्तों। देखिए कस्टमर को काम करके मेरे फिटिंग करके काम देना, थोड़ा सा उसको तो एक्स्ट्रा पैसे लगेगा ना। मैं मान लीजिए डिस्प्ले चेंज करेंगे, डिस्प्ले चेंज करने का टाइम दोस्तों देखिए, डिस्प्ले मार्केट से मैंने लेके आया मान लीजिए 700 रुपये का डिस्प्ले प्राइस, ठीक है। तो उसको मैंने मार्केट से उसको लेके आने के बाद फिर इसको खोल के फिटिंग करेंगे, 150-200 रुपये 250 रुपये तो ज़्यादा लगेगा ना। ऊपर एक तो ग्लास लगाएंगे, ग्लास का 100 रुपये का एक्स्ट्रा पैसे भी लग सकते हैं। तो 200-300-400 का प्राइस एक्स्ट्रा इधर का उधर का फिटिंग का आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज होता है दोस्तों। तो वही प्राइस में आप लोग साथ शेयर करता हूँ, जो प्राइस कितना आ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई की टेंशन में थोड़ा ज़्यादा भी लेता है, कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो प्राइस लेता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ। लेकिन यही प्राइस के ऊपर लेकर देखिए, बहुत सारे भाई कॉमेंट करता है आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, लूटिए मत इसको, कस्टमर को इतना प्राइस ऐसे मिल रहे हैं। देखिए मार्केट में जो मिल रहे वो बात सही है, आपको भी पता है, लेकिन आप इसको देखिए थोड़ा फिटिंग करके जब काम दीजिएगा उसको थोड़ा सा प्राइस तो इसका लाएगा ना, ये तो आपका पारिश्रमिक इसको देना पड़ेगा। तो आपका जो काम है, काम को थोड़ा डिपेंड करके उसको प्रॉब्लम को, मान लीजिए आईफोन का डिस्प्ले आप फिटिंग कीजिएगा खोल के, तो आईफोन का मोबाइल खोल के फिटिंग के लिए तो आधा घंटा टाइम लगता है। आप किसे 100 रुपये फ़ायदा लेकर इसको फिटिंग कर दीजिएगा, आपका काम 200-300-400-500 रुपये एक्स्ट्रा तो ज़्यादा लेगा ना। तो ऐसे काम होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग प्राइस लेकर कमेंट मत कीजिए। प्राइस में जो लेता हूँ आप लोग भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कस्टमर का 100 रुपये कम ले सकते हैं लीजिए, मैं ज़्यादा लेता हूँ। और मैं तो मेरा काम में आप लोगों को दिखाता हूँ ना, क्वालिटी मेंटेनेंस करता हूँ, डिस्प्ले चेंज करो, डिस्प्ले का क्वालिटी मेंटेनेंस करता हूँ। मार्केट में बहुत सारी क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है, लोकल भी मिलता है डिस्प्ले, लेकिन मैं क्वालिटी मेंटेनेंस करता हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है मेरे पार्ट्स में। आप लोग लोकल यूज़ कर देते हैं, बहुत सी टेंशन भाई काम ऐसे करते हैं, मेरे को पता भी है। कस्टमर को काम कर दिया ना, देखने के बाद भी आपको बुरा लगेगा, जैसे ऐसे काम कैसे, कौन से टेंशन में कर सकता है, ऐसे काम करके दिया। मान लीजिए जियो का माइक्रोफोन चेंज के लिए काम आया था मेरे पास, 70 रुपये का माइक्रोफोन कस्टमर चेंज करने के लिए एक दूसरे दुकान पर गया था, काम नहीं हुआ, बेस्ट सही है। कस्टमर को जब लेके आया मेरे पास, 100 रुपये लगेगा इसको माइक्रोफोन चेंज करने के लिए। तो कस्टमर बोल रहे हैं, देखिए उस दुकान पर तो 70 रुपये बोला है इसको चेंज करने के लिए, आप 100 रुपये क्यों बोल रहे हैं। देखिए मेरे पास ओरिजिनल माइक्रोफोन है, ओजी माइक्रोफोन है, कॉपी नहीं है, कॉपी भी मिलता है, बात एक नंबर चला गया। दूसरी बात देखिए दोस्तों, काम जो करते हैं उसको काम को ऊपर डिपेंड करेगा, काम कैसे कंप्लीट करोगे, मॉल काम कैसे सक्सेसफुल होगा। मॉल जब मैंने ओपन किया ना, वो टेंशन भाई 70 रुपये बोल के भी काम कंप्लीट नहीं कर पाया, बोर्ड में कनेक्शन का मिसिंग था। तो मैंने जब मॉल को ओपन किया, खोला है, देखिए उसको देखिए माइक्रोफोन तो ऊपर से नहीं है, बोर्ड में जो कंप्लेंट होता है माइक्रोफोन कनेक्शन, वो भी मिसिंग है, कनेक्शन मिसिंग है, वो काम नहीं है। तो उसको देखिए उस कनेक्शन बना के फिर मैं माइक्रोफोन का सेट करके रेडी कर दिया। उस टाइम कस्टमर का क्या, आपको 100 रुपये पे और ज़्यादा भी लेना चाहिए ना, आपका बोर्ड में तो दिक्कत था,
तो इसलिए दोस्तों देखिए, काम जो सही काम करते हैं थोड़ा रेट ज़्यादा ही पहुँच सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग डिपेंड मत करिए। क्योंकि देखिए जो काम नहीं आता है, 70 रुपये का माइक्रोफोन लगा दे रहा था दूसरे दुकान पर, आपको उसको काम नहीं आ रहा था, काम नहीं है उसका, काम पता भी नहीं है काम कैसे होता है। अगर काम पता तो आपके 70 रुपये माइक्रोन बोल के कस्टमर को फिर रिटर्न नहीं करते, वो काम रेडी करके देते हैं। तो आपको बोलते हैं तो आपका बोर्ड में दिक्कत है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, इसको ऐसे काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसे रेडी भी करते हैं, लेकिन उसका नीनू टेंशन भाई काम नहीं आता है। अब मेरे को पता है नीनू टेंशन भाई ऐसे उल्टा सीधा कमेंट करता है, तो आप लोग इसके उल्टा सीधा कमेंट काम मत करिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, कस्टमर ऐसे पैक करके मेरे पास मोबाइल लेके आया। पैक करके मतलब इसको देखिए, खोल के पूरा बैक पैनल फैनल सब कुछ खुला हुआ, इसको देखिए टूट गया, देखिए क्या करके पार्ट्स कैरी बैक पेपर में इसको मेरे पास ऐसे लेके आया दोस्तों कस्टमर। तो चलिए कोई बात नहीं, कस्टमर खुले खुद ही क्या किया था कैसे नहीं पता, लेकिन इसको मोबाइल का हालत देखिए दोस्तों। ऐसे आप लोगों के पास कोई रिपेयरिंग काम आया, टेंशन मैं के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों के पास अगर ऐसे मोबाइल काम आता, देखिए कस्टमर खोल के पैक करके कैरी बैक करके कस्टमर लेके आता है मेरे पास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसको मैंने रिपेयरिंग करेंगे, कंप्यूटर रेडी करके आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या दिक्कत है दोस्तों, इसमें देखिए जो बैक पैनल है वो सही है, लेकिन मिडिल फ्रेम को चेंज करेंगे। मिडिल फ्रेम इसको बैंड हो गया, टूट गया, और इसको ऊपर का डिस्प्ले, चले मैं दिखाता आप लोगों को। देखिए दोस्तों इसमें देखिए, इसको देखिए ऊपर का जो डिस्प्ले ये पूरा बिल्कुल टूट गया दोस्तों, ये देखिए डिस्प्ले का हालत देखिए, इसको चेंज करेंगे। डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंट इसको ओजी डिस्प्ले चेंज करेंगे, 100% ओरिजिनल में नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए वो 500 मिलता है। इसको देखिए डिस्प्ले डिस्प्ले यहाँ पे देखिए दो, चलिए इसको देखिए मॉडल देखिए, सैमसंग M14 5G मॉडल, इसको देखिए देखिए M146B, चलिए जूम करके दिखाओ, तो ये देखिए M146B, देखिए M14 5G मॉडल है। इसको वर्सन देखिए फ्लेक्स का देखिए, देखिए REV0.2 NT36672C, इसको देखिए सीरियल नंबर का वर्सन है दोस्तों फ्लेक्स का। यही डिस्प्ले, यही वर्सन का डिस्प्ले मैंने इसको सेट करेंगे, लेकिन 100% ओरिजिनल में नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए वो मिलता है सर्विस सेंटर। आप लोग इसको देख के अगर बोलिएगा 100% ओरिजिनल है, देखिए ओरिजिनल मैंने डिस्प्ले सेटिंग भी करता हूँ, सेटिंग भी किया है, जो जो मिलता है मार्केट में उसको मैंने कहता हूँ, जो नहीं मिलता है उसको मैं 100% ओरिजिनल नहीं कहूँगा। कुछ दिन पहले एक तो वीडियो शेयर किया था, Vivo V27 उसको डिस्प्ले चेंज किया था, कर्व डिस्प्ले, वो ओरिजिनल था, 100% ओरिजिनल, वो भी मैंने आप लोग को कहा था ये 100% ओरिजिनल है दोस्तों। लेकिन देखिए जो नहीं है उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। इसको देखिए दोस्तों, अभी मोबाइल चालू है, ऑन हो रहा है, डिस्प्ले में लाइट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा टूट गया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, इसको डिस्प्ले कौन से यहाँ पर सेट कर रहे हैं, इसको मिडिल फ्रेम भी पूरा वैंड हो गया, लेकिन मेरा बोर्ड सही है दोस्तों, सैमसंग का यही बात है दोस्तों, इसका मदरबोर्ड अभी ऑन है, चालू है। कस्टमर को ऐसे मॉल को तोड़ा है ना, सब कुछ टूट गया, लेकिन फिर भी मदरबोर्ड सही है। तो मदरबोर्ड जब सही है तो इसको तो सब कुछ चेंज करके रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का अगर ऐसे दिक्कत होगा मॉल, कभी कभी हाथ से गिर जाने के बाद कोई अगर देखिए ऐसे टूट गया, जिसको देखिए आप बनने के लिए थोड़ा सा सोच रहे इसको क्या होगा, नहीं बनेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, आपका अगर मदरबोर्ड सही है तो सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरा कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको बाहर निकल दिया डिस्प्ले को, इसको आराम से अभी दिखा था आप लोग, ये देखिए पूरा मिडिल फ्रेम पूरा बैंड है। इसको सीधे करने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ देखिए 100% ओरिजिनल चीज़ हमेशा मॉल को रखने के लिए, लेकिन जो पॉसिबल होता है, जो नहीं पॉसिबल है तो उसको क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी इसको डिस्प्ले देखा था, ये देखिए एक कंपनी का डिस्प्ले देखिए दोस्तों, ये देखिए इसको मैंने डिस्प्ले का जो सेल नंबर आप लोगों को दिखा था पहले, जो ओरिजिनल डिस्प्ले उसमें सेटिंग था, उसको जो सेल नंबर था ना, चलिए दोनों का दोनों LCD कंपेयर करके दिखा दो, लेकिन फिर भी मैंने इसको 100% ओरिजिनल नहीं कहूँगा। लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल सही है, टच सही है, डिस्प्ले ब्राइटनेस क्वालिटी सब कुछ सही है, ओरिजिनल जैसे आप लोगों को देखने का मिलेगा। लेकिन कुछ को न्यू टेंशन में ना उल्टा सीधा करके कस्टमर को बोल देता आपको ओरिजिनल डिस्प्ले मिलेगा, 100% ओरिजिनल डिस्प्ले दे रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं है। जो ओरिजिनल मिलता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए सेम टू सेम, इसको देखिए M14 इसको देखिए सीरियल नंबर वर्सन देखिए दोस्तों REV, इसका देखिए जगह 0.2, इसको देखिए सेम टू सेम देखिए REV 0.2, इसको देखिए MT, इसको देखिए NT36672C, इसको देखिए सेम टू सेम NT36672C, इसको सेम टू सेम देखने का मिल जाएगा, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, सेम टू सेम ओरिजिनल नहीं है 100%, क्योंकि देखिए दोस्तों जो 100% ओरिजिनल होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देंगे। इसको देखिए पापते का जो वर्सन है, सेल नंबर है ना, दूसरे पर मिलता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको क्वालिटी मेंटेनेंस किया दोस्तों, डिस्प्ले का क्वालिटी मेंटेनेंस किया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, क्वालिटी मेंटेनेंस किया इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोगों को देखने का मिला सेम टू सेम, लेकिन 100% ओरिजिनल बात अलग है, वो अगर मिल जाएगा तो वो भी बात अलग है, प्राइस भी अलग लेवल का होता है। और इसका प्राइस क्या आएगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ। और इसको मिडिल फ्रेम में देखिए, मिडिल फ्रेम में इसको देखिए OG मिल गया, इसको मैंने चेंज करके सेटिंग करेंगे एक एक करके, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखा दो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों डिस्प्ले हमेशा चेंजिंग का वीडियो तो आप लोगों को दिखा दो, लेकिन मिडिल फ्रेम के साथ चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको सब कुछ खोल के चेंज करने के लिए, मैं एक एक करके उठा के चेंज करने के लिए हार्ड वर्क काम होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क काम नहीं है, फिर भी इसको टाइम भी लगता है। चलिए मैं आप लोग खोल के दिखा दो, आप लोगों को वीडियो दिखा दो 10 मिनट का, लेकिन काम होता है आधा घंटे का,
ये हमेशा होता है दोस्तों। वीडियो शूट करता है आधा घंटे का, अब लोगों वीडियो दिखा दो 10 मिनट का, ये हर कई काम का होता है। चले कोई बात नहीं, आराम से एक करके सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले को सेटिंग करेंगे। डिस्प्ले देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, मैंने इसको जो पीछे का जो पन स्टिकर है ना, इसको उठाना चाहिए। ये उठा के इसको डिस्प्ले को सेटिंग करना चाहिए दोस्तों। हर टेंशन भाई के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, न्यू टेंशन में जो काम करते हैं, जो पुराना है उसका पता है बात अलग है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका टास्क, कभी कभी टास्क उल्टा सीधा काम करते हैं, टास्क ऑटोमेटिक डिस्प्ले का भागता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको सेटिंग करना चाहिए। देखिए कंपनी जब डिस्प्ले सेटिंग करते क्यों दिया इसको, सिस्टम तो जरूर इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए। तो आप लोगों को न्यू टेंशन भाई थोड़ा सा हेल्प होता है वीडियो देखकर, तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहले आराम से साइड में ग्रू लगा के इसको मैंने अभी डिस्प्ले को सेटिंग करके, सबसे पहले इधर का काम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। डिस्प्ले सेटिंग हो गया, चलिए इसको अभी मैंने डिस्प्ले सेटिंग करने के बाद फिर इसको मैंने उधर का जो काम है उसको सब कुछ उड़ा के करके सेटिंग करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को दिखा दो। आराम से सेटिंग हो जाएगा, देखिए डिस्प्ले आराम से सेटिंग कर देते। इसको डिस्प्ले देखिए TFT डिस्प्ले है, कोई टेंशन नहीं है, जो साइड में गैप रहेगा, लाइट निकल जाएगा, ऊंचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। TFT में सेटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुपर एमोलेड जब होता है उसको अगर TFT डिस्प्ले सेटिंग कीजिएगा आप लोग, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए मैंने आराम से इसको हो गया डिस्प्ले सेटिंग। अब यहाँ पे इधर का देखिए, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, बैटरी को, स्पीकर को, यार स्पीकर को एक एक करके खोल के इसको जो भी है दोस्तों अंदर इस साइड में देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत है दोस्तों इसमें। आप लोग सिर्फ इसको देखिए सोए रहे, इसको देखिए सिर्फ बोर्ड को उठा के लगा देंगे हो जाएगा, नहीं ऐसे काम भी करता है बहुत से। न्यू टेंशन भाई ऐसे भी काम करता है, मेरे को पता है, मेरे पास काम भी आता है, मैं देखता हूँ। लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप लोग। ये देखिए मदरबोर्ड चार्जिंग बोर्ड को बाहर निकाल लिया, हो गया ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। ऐसा भी इसको लगा देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत कुछ कुछ आता है। क्या क्या प्रॉब्लम है दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें स्पीकर के इधर में देखिए दोस्तों, इसको देखिए एक तो रबर होता है स्पीकर का चारों साइड में, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सेटिंग करना चाहिए। साउंड आप निकालते हैं इसको देखिए स्पीकर का चारों साइड, इसको देखिए एक तो रबर होता है, उसको भी उठ के इसको सेटिंग करना चाहिए। और मतलब इसको स्पीकर का जो आवाज़ होता है ना, उसको देखिए सही तरीके से आने के लिए। तो अभी देखिए इसको मैंने इसको भी उठा लिया, इसको देखिए जो रबर है इसको देखिए, ये प्रोटेक्शन करते हैं, कभी कभी देखिए लिक्विड पानी अंदर जाता है अचानक, इसको थोड़ा सा इसको ज़्यादा तो कोशिश करते हैं, इसको देखिए 100% तो सेफ्टी नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना हो सके इसको हल्का अगर पानी गया तो उसको कोशिश हो जाती है, वहाँ पे रबर बैंड सेफ्टी कर देता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ऐसे इसको जो जो काम है, यार यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट अभी चीज़ इसको जो मैंने उठाया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीपीयू का इसको हीट को कंट्रोल करने के लिए हीट, देखिए सीपीयू तो आप जब मोबाइल यूज़ करें सीपीयू हीट होता है, तो हीट को यहाँ पे देखिए हीट सिंक कहते हैं दोस्तों। इसको देखिए इसको ये पूरा जो आपका मिडिल फ्रेम है ना, इसको देखिए मेटल का जो मिडिल फ्रेम चारों तरफ इसको हीट है, हीट को इसको चारों तरफ फैल जाता है दोस्तों। इसको ऐसे इसको उठा के सेटिंग करना चाहिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका सीपीयू का हीट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए आराम से इसको देखिए, अभी यार स्पीकर वो भी निकाल दिया, अभी साइड में जो देखिए इसको एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको साइड में अभी जो वॉल्यूम फ्लेक्स उसको भी उठाएंगे ठीक है, उसको फिर बैटरी उठा के सेटिंग कर देंगे। तो इसको देखिए जो छोटा छोटा जो चीज़ है मैंने इसको उठा के जो सेटिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को ऐसे इसको सेटिंग करना चाहिए, एकदम छोटा छोटा जो चीज़ है दोस्तों इसको उठा के सेटिंग करना चाहिए। जब मिडिल फ्रेम वो लोग चेंज कर रहे हैं, मिडिल फ्रेम चेंज करने का टाइम आप लोग इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपका काम सक्सेसफुल मिल जाएगा, काम रेडी है, मोबाइल चालू है, मोबाइल चल रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा दिन नहीं जाता है, दिक्कत आता है। आप लोग जब इसको चेंज करें ना, थोड़ा सब कुछ उठा के इसको सेटिंग कीजिए, तब बेस्ट होता है। चलिए इसको देखिए साइड में, अभी देखिए जो वॉल्यूम फ्लेक्स इसको मैंने अभी उठा के सेटिंग करेंगे। ये देखिए हो गया, देखिए इसको देखिए, चलिए हल्का हीट मार के इसको उठा रही है, इसको आराम से दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया वॉल्यूम। और पावर तो इसको देखिए जो पावर फिंगर सेंसर के साथ है, इसको पावर फ्लेक्स है, इसीलिए इसको देखिए वो जो बैक पैनल है उसको साथ में सेटिंग करेंगे। चलिए इसको हो गया, चलिए वॉल्यूम फ्लेक्स हो गया दोस्तों ठीक है। अभी इसको बैटरी को उठाएंगे, तो बैटरी उठने का टाइम दोस्तों देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने हीट मार के बैटरी को उठाएंगे, हीट मार तो देखिए दूसरे साइड में हीट मारेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे ठीक है। ये देखिए दूसरे साइड में थोड़ा सा हीट करके मैंने बैटरी को निकाल लेंगे, बैटरी थोड़ा सा इसको आराम से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों बैटरी आराम से निकल गया, चलिए इसको थोड़ा नहीं पूरा प्लास्टिक के साथ उठा दे, चलिए पूरा प्लास्टिक के साथ इसको सेटिंग कर देंगे। चलिए 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 हो गया। तो इसको देखिए दोस्तों मिडिल फ्रेम के साथ मैंने सब कुछ उठा के एक एक करके सेटिंग कर लिया। अभी इसको देखिए बैटरी भी उठा के सेट इसको ले लिया। अभी यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मदरबोर्ड और इसको चार्जिंग बोर्ड को सेटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए इसको जो जितना भी स्कोप जैसे ऊपर में कवर था प्लास्टिक का, सब कुछ सेटिंग करने के बाद इसको हो जाएगा मेरा काम। देखिए दोस्तों काम थोड़ा सा हार्ड वर्क काम था, मिडिल फ्रेम चेंज करने का टाइम एक एक करके उठा के सेटिंग करना पड़ता है। डिस्प्ले तो पहले सेटिंग कर दिया था, उससे तो ज़्यादा हार्ड वर्क काम ही नहीं। तो ये मॉडल था दोस्तों सैमसंग M14 5G मॉडल का, इसको डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा, मिडिल फ्रेम का प्राइस कितना आएगा, सब कुछ मेरा अब इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को देखने का दोस्तों। मतलब मैं जो प्राइस कस्टमर को लेता हूँ, पहले मैं आप लोगों को बोल चाहता हूँ कस्टमर को जो प्राइस मिल लेता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ,
ठीक है। चलिए दोस्तों अभी देखिए आप लोग जो जो प्राइस आप लोग जानना चाहते हैं इसको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए प्राइस कितना आएगा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसको ऊपर का स्क्रूब लगा के सेटिंग कर देते हैं, हो गया मेरा काम। अब इसको सेटिंग करने के बाद फिर बैक पैनल लगा देंगे। चलिए इसको हो गया, इधर का भी ये देखिए बैक पैनल का फिंगर सेंसर भी लगा दिया। बैक पैनल इसको सही है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको मिडिल फ्रेम डिस्प्ले तो सब कुछ टूट गया था। नहीं तो बैक पैनल मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बैक पैनल का प्राइस भी उसको मैंने शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको लॉक को लगाते हैं, बस हो गया। तो इसमें देखिए मेरा मॉल अभी दोस्तों रेडी है। चलिए इसको ऑन करते हैं, डिस्प्ले सही मिलेगा दोस्तों। देखिए इसको क्वालिटी, लाइट क्वालिटी, ब्राइटनेस क्वालिटी, टास्क सब कुछ सही मिलेगा। देखिए इसको ऑन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको क्या क्या मैंने चेंज किया चलिए एक बार दिखाता हूँ। देखिए मिडिल फ्रेम पूरा वैंड था, नहीं तो डिस्प्ले सेटिंग नहीं होता ना। इसको देखिए मिडिल फ्रेम पूरा चेंज कर दिया। इसको चलिए डिस्प्ले को दिखाते हैं, देखिए पूरा डिस्प्ले का हालत देखिए, डिस्प्ले भी चेंज हो गया। डिस्प्ले इसको पूरा पूरा फुल डैमेज है। चलिए इसको आराम से देखिए, इसको तीनों का तीनों पास आप लोग इसको साइड में देखकर चेंज करने का कैसे लग रहा है लुकिंग। पहले इसको हालत में ऐसे था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी आराम से इसको देखिए ऑन तो हो गया। चलिए ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, ये देखिए दोस्तों पासवर्ड को ओपन करता है, ये देखिए हो गया। तो इसमें देखिए दोस्तों सैमसंग लिखा भी आ गया, टास्क सही काम करे, डिस्प्ले भी ऑन हो गया मेरा। इसको क्वालिटी देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा टास्क देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी चलिए इसको सैमसंग है थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगता है, तो हो गया। चलिए इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों अभी देखिए टास्क देखिए दोस्तों, और डिस्प्ले क्वालिटी, ब्राइटनेस क्वालिटी सब कुछ सही है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से इसको सेटिंग भी कर लेता। थैंक यू दोस्तों वीडियो देने के लिए शुक्रिया। तो आइए वीडियो देखकर आपको जानकारी मिले, कोई सीखने का मिले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।